आदाब नाजरीन, क्यू टी वी में आपका इस्तकबाल है। बारकस इलाके में अबूबकर अमूदी नाम के नौजवान का रहमान नामी नौजवान ने कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद फलकनुमा एसीपी ने वहां पहुंचकर मौके का जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आइए दिखाते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। आज के रात एक छोटा सा हादसा हुआ। ये अब्दुर्रहमान और शेख अबूबकर रामोदी दोनों के बीच में कुछ पुराने मसले थे। वो लोग जो है सो आज यहाँ पर बैठ के बात करने के लिए आए। दोनों में कुछ झगड़ा हुआ। ये अब्दुर्रहमान जो है सो चाकू लेके उनको भोगे और उस सिलसिले में उनके वाले साहब से, ये अबूबकर के वाले साहब से कंप्लेंट लेके उस पर हम तहकीकात कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या मसला था, क्या झगड़ा था, हम तहकीकात कर रहे हैं। सर एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हो गए सर? एक्यूज्ड को हम अरेस्ट करेंगे। सर आए दिन फलकनुमा डिवीजन में ऐसे हादसा हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है? हर दिन नहीं हुआ, ये पहला हिस्सा है। अब बोलने से पहले कब हुआ बोलो? आए दिन इससे पहले नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था इससे पहले? जो चाकू से मारे सब दो भाइयों को, तो कब हुआ वो? थोड़े दिन। हर दिन का मतलब? आए दिन बोला। हर दिन का मतलब क्या है? आए दिन बोला सर। बोलने से पहले, बात करने से पहले सोच के बात। सर एज क्या थी इनकी? सर 24-25 ईयर्स। अच्छा, कुछ रीजन मालूम हुआ सर? कुछ और रीजन हम तहकीकात कर रहे हैं। ये रात में कितने बजे हुआ सर? ये 12-12:30 के बाद में हुआ ये। अक्यूज्ड का एज कितना है सर? दोनों भी सेम एज ग्रुप है, 23-24। गाड़ी है।